हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कुछ नए क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस केवीएस एनवीएस तथा जो स्टेट पीजीटी है, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो या फिर उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, इसमें जो आए क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये प्रश्न सिर्फ वही प्रश्न है जो किसी न किसी बायोलॉजी के एग्जाम में आए हैं, खासकर पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये ही प्रश्न ऐसे हैं जो काफी अच्छे आपके लिए साबित हो सकते हैं भविष्य में एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। विच इज ट्रूफिश, इनमें से ट्रूफिश कौन है, यानी इनमें से कौन वास्तविक मत्स्य या मछली है? तो इनका जो ऑप्शन सही है वो ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, बकाया क्या है? वास्तविक मछली नहीं है। क्यों? देखिए, जो कटल फिश होता है, जो ये जो लिखा हुआ सी नंबर, जो कटल फिश होता है, कटल फिश सीपिया को बोलते हैं और संघ मोलस्का के सदस्य हैं ये। और जो डेविल फिश होता है, और इसके अलावा हम और आप नाम बता दें, जो डेविल फिश बोलते हैं वो ऑक्टोपस को बोलते हैं। डेविल फिश किसको बोलते हैं? ऑक्टोपस। डेविल का मतलब ही होता है पिसाच मीन, और ऑक्टोपस क्या होता है? आठ पैरों वाला होता है जो ऑक्टोपस होता है, इसीलिए इसे पिसाच मीन बोलते हैं। ये भी मोलस्का का सदस्य है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि डेविल फिश किसका सदस्य है, तो मोलस्का का है। स्टार फिश आप सब जानते हैं, इसे हम एस्टेरियस बोलते हैं, ये इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है। हैग फिश, एक नाम आता है हैग फिश का, ये मिक्सीन को बोलते हैं और ये साइक्लोस्ट्रोमेटा का सदस्य है। ये बीएससी सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाता है, एम्फियोक्सस के बाद ही ये चैप्टर रहता है। रेजर फिश क्या होता है? रेजर फिश सोलोन को बोलते हैं, रेजर फिश जो बोलते हैं सोलेन को बोलते हैं, ये भी मोलस्का का सदस्य है। जेली फिश ऑरिलिया को बोलते हैं, ऑरिलिया ओबिलिया आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में होगा, तो आपने ऑरिलिया पढ़ा होगा, ये सीलेंट्रेट का सदस्य है। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब समझते ही हैं, जिसके ऊपर आवरण हो, तो वो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। क्रेफिश, ये गैमरस को बोलते हैं, ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। और जो सिल्वर फिश होती है, लेपिस्मा बोलते हैं, ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। तो इसमें जो वास्तविक आंसर है वो ए सही है, और ये एनबीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। केवीएस में तो पूछा, एनबीएस में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉन पॉइजनस, इनमें से वो कौन सा है जो पॉइजनस नहीं है? तो पाइथन, जिसको हम अजगर के नाम से जानते हैं, ये ऐसा सर्प होता है जो विषहीन होता है। कभी भी अजगर किसी को डसता नहीं है ना काटता है। अजगर क्या करता है कि किसी भी जीव को, चूंकि ये बहुत बड़ा होता है, ये भी हम आपको बता दें, ये बड़ा होता है, लगभग 29 फीट तक लंबा हो सकता है, इसका वजन कई कुंटल हो सकता है, और ये वृक्षों पर भी चढ़ सकता है। ये संसार के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है, और हम आपको बता दें इसका सर छोटा होता है, और ये जैसे भेड़ बकरी गाय और कभी कभी मनुष्यों को भी मारकर खा जाता है। और खाता कैसे, ये क्या करता है, पहले बॉडी के चारों ओर लिपट जाता है, लिपटने के बाद अपनी जो ऐंठन है इतनी तेज कर देता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी जो रक्त प्रवाह है, वो बिल्कुल रुक जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई बॉडी की बंद हो जाती है और उस जीव की मृत्यु हो जाती है। फिर ये उसको निगल जाता है, निगलने के बाद इसमें इतने डेंजर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं कि पूरी बॉडी को पचा डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल ऑर्गेनल एग्जिबिट पॉलीमार्फिज्म, ये क्वेश्चन हमने इससे पहले बताया था कि वो कौन सा अंग है जो पॉलीमार्फिज्म है, तो वो लाइसोसोम्स होता है पॉलीमार्फिज्म, क्योंकि इसके तीन रूप आपने पढ़े होंगे, एक प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, एक रेसिडुअल साइट लाइसोसोम था, तीन रूप थे, तो इसलिए पॉलीमार्फिज्म होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू टेम्पल थ्योरी, अमीनो एसिड फर्स्ट कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ टेम्पलेट
थ्योरी के अनुसार अमीनो अम्ल पहले किसके संपर्क में आते हैं? तो टेम्पलेट थ्योरी के अनुसार अमीनो अम्ल सबसे पहले टीआरएनए के संपर्क में आते हैं। तो आप जब चलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में, अगर ध्यान देंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में एक मेथियोनिन करके होता है जो टीआरएनए से जुड़ता है, अगर आपको ध्यान हो तो। ये इस वजह से ये आंसर इसका टीआरएनए सही होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैपिटम हुज फंक्शन इज। देखिए टैपिटम क्या होता है, जब हम एंथर की बात करते हैं तो एंथर में कई परतें होती हैं, उसमें सबसे अंदर की जो परत होती है टैपिटम होता है। टैपिटम 3 से 4 परत संरचना होती है और इसमें कुछ सेल्स अमीबॉइड भी होती हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसका मुख्य कार्य होता है पोषण देना। जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं या पॉलन मदर सेल्स होती हैं जिनमें डिविजन्स होता है, उनको ये क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोपाइल एलॉज, माइक्रोपाइल किसको अनुमति देता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स देखा होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें आपने देखा होगा ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर्स में कि एक छोटी सी कट संरचना आती है जहां इंटूगमेंट पाए जाते हैं, इंटूगमेंट के बीच में एक छोटी संरचना पाई जाती है जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो ये माना जाता है कि ये एक प्रकार का रास्ता देता है पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है या रास्ता देने का कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ड बाय। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, ये देखिए इसका जो इंग्लिश वर्जन है पराग कोष अंतर से टेप्टम बनते हैं, ये नहीं इंग्लिश देखिएगा, ये हिंदी जो इसकी टाइपिंग है वो गलत है, इसका आप इंग्लिश देखिएगा, केवल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कास्ड बाय। तो वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है जिससे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। और लेट ब्लाइट ऑफ जो पोटैटो होता है इसमें क्या होता है, इससे झुलसा रोग बोलते हैं हिंदी में, तो इससे झुलसा रोग हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो ऐसा होता है, ये अक्सर हमें कहां देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आलू पर। तो आलू क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे गल गई हो आलू को, मतलब मेन आलू स्टेम नहीं, आलू का जो पौधा होता है वो लगता है गल गया है, तो वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइजोपस बिलोंग टू विच क्लास। तो फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, जो ये बिलोंग करता है वो किसको करता है, फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है वर्ग के अंतर्गत, जाइगोमाइसिटीज समूह में आता है। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं और ये सड़े गले मृत पदार्थों पर ही उगते हैं और इनको ब्रेड मोल्ड के भी नाम से जानते हैं। गायनोस्टेमियम एंड गायनोस्टीजियम आर टाइप्स ऑफ एडहेशन प्लेस्ड अंडर। तो ये क्या होता है, इस पे हम बताते हैं आपको। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गायनेंड्री पुंजायांगी बोलते हैं इसको। जब क्या होता है, फ्लावर के स्टेमेंस उसके जो गायनोसियम से संयुक्त होते हैं, देख रखना, जब स्टेमेंस गायनोसियम से मिलते हैं या जुड़े रहते हैं तो उसे हम गायनेंड्रस अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं, गायनेंड्रस अवस्था कहते हैं। ये गायनोस्टीजियम या गायनकोस्टीजियम प्रकार का हो सकता है। गायनोस्टीजियम अवस्था वह है जब स्टेमेन गायनोसियम की जो स्टाइल एंड स्टिग्मा की सरफेस से संयुक्त होता है, जैसे एक्सेल पीडीएसी कुल आदि में। गायनोस्टीमियम अवस्था में स्टैमेन और जो आपका गायनोसियम पूर्णतः संयुक्त होकर एक अकेली संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, एग्जाम्पल के लिए आर्किडेसी और एस्टीलेचिएसी और स्टाइलिडिएसी में ये अवस्था हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गायनोबेसिक स्टाइल सरसिल फ्रूट
एंड वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस आर करेक्टरिस्टिक। देखिए वर्टिसिलेस्टर शब्द आ जाए और गायनो बेसिक स्टाइल आ जाए तो ये अगर पूछ दे वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस तो वो आपकी तुलसी में देखने को मिलता है जो लेमियसी का करेक्टर्स है और गायनो बेसिक स्टाइल भी तुलसी में देखने को मिलता है तो ये साफ रखा हुआ है लेमियसी। देखिए कुछ इन्फ्लोरेसेंस विशेष होते हैं जैसे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस आपसे अक्सर पूछता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस किस में हमें देखने को मिलता है तो यूफोरबियेसी में देखने को मिलता है, खासकर यूफोरबिया में हमें देखने को मिलता है। दूसरा एक वर्टिसिलिएस्टर आता है तो वर्टिसिल से लेमियसी में देखने को मिलता है यानी तुलसी में। एक और आता है आपका हाइपेंथोडियम नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिनोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ, तो वो जो टाइप है पार्थिनोजेनेसिस वो किसका टाइप, वो है एपोस्पोरी का। किसका है? एपोस्पोरी का। नेक्स्ट है मोनोस्पोरिक फोर न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक इज, तो वो है ऑर्निथेरा टाइप। क्या है? ऑर्निथेरा टाइप है, ध्यान रखिएगा। ऑर्निथेरा टाइप होता क्या है? तो ये हम आपको बता दें ये अपवाद स्वरूप फोर न्यूक्लियस होते हैं, इसके सेंटर में केवल एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है तथा तीन इसमें जो थ्री एक एपरेटस के रूप में होते हैं, इनमें जो एंटीपोडल सेल्स अनुपस्थित होते हैं। आइनोथेरा प्रकार का एम्ब्रियो सैक एवं पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सैक दोनों ही मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही, एक क्वेश्चन और है इसको भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद। इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द ओव्यूलिस, तो इसमें कहता है द मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूलिस, अधिकतर आवृत बीजियों में बीजाणु होता है तो वो कौन सा बीजाणु होता है? तो यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो चूंकि ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।